हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमी 24x7 यूट्यूब चैनल वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में 18 दिसंबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में, और इन क्वेश्चन से जितने भी आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन सकते हैं, इन क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं साथ में हम उनको डिस्कस करते हुए चलेंगे साथ साथ में। अगर आपको वीडियो देखते समय आपके मन में कोई डाउट आता है, कोई कन्फ्यूजन आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर जो लाइव चैट का ऑप्शन आता है उसमें भी आप पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के एक विश्वविद्यालय ने 100 भाषाएं बोलने और समझने वाला एक रोबोट तैयार किया है। तो किस देश ने या किस देश के एक विश्वविद्यालय ने ऐसा रोबोट तैयार किया है, तो इसका नाम क्या रखा गया है? इसका नाम रखा गया है सुरेना। क्या नाम रखा गया इसका? सुरेना इसका नाम रखा गया, और इसको ईरान के द्वारा, किस देखिए ईरान, कंफ्यूज नहीं होना नाम में, इराक और ईरान में, तो इसको ईरान द्वारा विकसित किया गया, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही होगा। यह बोल भी सकता है, भाषाएं समझ सकता है, साथ में आपके चेहरे को भी पहचान सकता है, और ये फुटबॉल भी खेल सकता है। तो इस तरीके से एक रोबोट डेवलप किया गया है जो 100 भाषाएं बोल सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का अगला थल सेना प्रमुख किसे चुना गया? निम्नलिखित में से किसे हाल ही में भारत का अगला थल सेना प्रमुख चुना गया है? तो मनोज मुकुंद नरवाने जी को भारत का अगला थल सेना प्रमुख चुना गया, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही होगा। और ये किसके स्थान लेंगे? अब ये विपिन रावत जी का स्थान लेंगे, यानी कि वर्तमान समय में विपिन रावत जी, और जो आपका ऑप्शन बी लिखा हुआ है, उनका स्थान लेंगे। तो अगले थल सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवाने होंगे। अच्छा, अब यहाँ पर थल सेना प्रमुख की बात हो रही, तो लगे हाथों हम एयरफोर्स चीफ और नेवी चीफ की भी बात कर लें। तो नेवी चीफ हैं आपके वर्तमान में करमबीर सिंह, और एयरफोर्स चीफ हैं आपके RKS भदौरिया। याद रखें, अपकमिंग एग्जाम में जरूर से पूछा जाएगा। अगर डिफेंस से हैं आप, अगर डिफेंस का कोई एग्जाम देने जा रहे हैं, तो ये आपके लिए 200% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि एयरफोर्स का एग्जाम है, FCAT का है, या DRDO का है, या और भी जो भी एग्जाम है आपके। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है, सार्वजनिक स्थानों को दिव्यांगजन, यानी कि हमारे जो हैंडीकैप पर्सन हैं, उन अनुकूल बनाने के लिए आरंभ किए गए किस अभियान की डेडलाइन को बढ़ाकर हाल ही में मार्च 2020 कर दिया गया, यानी कि एक डेडलाइन दी गई थी इस कार्यक्रम को, लेकिन उसको आगे बढ़ा दिया गया, मार्च 2020 कर दिया गया। तो वो कौन सा कार्यक्रम है? सुगम्य भारत, यानी कि ऑप्शन सी आपका जो लिखा हुआ है वो आपका सही होगा। सुगम्य भारत जो ये अभियान है सार्वजनिक स्थलों में दिव्यांगजनों को अनुकूल बनाने के लिए, ये पहले इसकी डेट क्या थी, लास्ट डेट अभी इसी 2019 में इसकी ख़त्म होने वाली थी, लेकिन अब इसको इसको मार्च 2020 तक बढ़ा दिया गया। इसको शुरू कब किया गया था? इसको 3 दिसंबर आपका 2015 में शुरू किया गया था, 3 दिसंबर 2015 में इसको शुरू किया गया था, अब इसको मार्च 2020 तक बढ़ा दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में संपन्न सूर्य किरण युद्धाभ्यास, ये आपका युद्धाभ्यास होता है, आपको बताना है, आप देखते हैं यहाँ पर कि किन किन देशों के मध्य होता है। तो ये आपका जो सूर्य किरण युद्धाभ्यास है, ये आपका भारत और नेपाल के मध्य होता है, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही होगा। अभी ये हाल ही में संपन्न हुआ है, कब? 16 दिसंबर को ये संपन्न हुआ है, और ये बारी बारी से, यानी कि एक बार भारत में होता है, फिर नेपाल में होता है, फिर भारत में होता है, फिर नेपाल में होता है, तो बारी बारी से दोनों देश इसका आयोजन करते हैं। अच्छा, अब बात हो रही नेपाल की, तो आपको नेपाल की राजधानी काठमांडू है, पता होनी चाहिए, और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? KP शर्मा ओली, और राष्ट्रपति कौन है? विद्या देवी भंडारी, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने वायुसेना के पश्चिम वायु कमान के वरिष्ठ एयर स्टाफ ऑफिसर के रूप में पदभार संभाला, यानी कि हमने पहले देखा दूसरे क्वेश्चन में, जो आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन था उसमें हमने बात की भारत का अगला थल सेना प्रमुख, अब यहाँ पर बात की जा रही है वायुसेना के पश्चिम वायु कमान के वरिष्ठ एयर स्टाफ ऑफिसर के रूप में पदभार संभाला है। तो किसने संभाला है आपका? RJ Duckworth ने। किसने? RJ Duckworth, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही होगा। और मैंने आपको पहले ही बताया कि एयरफोर्स चीफ कौन है इस समय? RKS भदौरिया। कौन है? RKS भदौरिया, याद रखें, पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। छठा क्वेश्चन आज का ले लेते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने फास्टैग को अनिवार्य रूप से लागू करने की अंतिम तिथि को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? अभी अंतिम तिथि
15 दिसंबर रखी गई थी, लेकिन अभी कुछ जगहों पर शुरू किया गया है, कुछ जगहों पर नहीं शुरू हो पाया है। ट्रैफिक की समस्याओं की वजह से काफ़ी लंबी लंबी लाइन लग जा रही है यहाँ पर। लोगों को अभी भी कुछ समस्या आ रही है, कुछ लोगों को कैश की रखने की समस्या आ रही है, या फिर कुछ लोगों के पास ऑनलाइन पैसा नहीं है तो उसको कट करने के लिए, तो उसको इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए जल्द से जल्द इसको थोड़ी सी डेडलाइन और बढ़ा दी गई। तो कब कर दिया गया इसको? 15 जनवरी कर दिया, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही होगा। और ये फर्स्ट टैग क्यों लागू किया जा रहा है, आप सभी जान रहे हैं कि टोल में आपका लंबी लाइनें नहीं लगेगी, आप ऑनलाइन ही पैसा या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकेंगे, और जिससे कि आपका टाइम बचेगा और फ्यूल्स की भी बचत होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है कि हाल ही में पहली बार किस अर्धसैनिक बल ने अपने कर्मियों के लिए मैट्रिमोनियल पोर्टल शुरू किया? मैट्रिमोनियल यानी कि विवाह संबंध वाला पोर्टल शुरू किया है, तो ऐसा किस अर्धसैनिक बल द्वारा किया गया है? तो ITBP द्वारा, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स द्वारा ऐसा किया गया, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही होगा। अच्छा, ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि इसमें अविवाहित हैं, जो विधवा हैं, विदुर हैं, या फिर तलाकशुदा कर्मियों के लिए जीवन साथी खोजने में मदद पहुंचाने के लिए पोर्टल शुरू किया गया है, जिससे कि उनको इसमें थोड़ी सी हेल्प मिल सके। अच्छा, बात हो रही है ITBP की, तो आपको आप पता होना चाहिए कि ITBP जो आपका ये अर्धसैनिक बल है, इसको कहाँ नियुक्त किया जाता है, या फिर यहाँ ये किस बॉर्डर पर काम करता है? तो ये भारत और चीन की सीमा पर सेवारत हैं, और इसमें टोटल कितनी 56 बटालियन लगी हुई हैं, इसमें टोटल 56 बटालियन सेवारत हैं, और ये सभी आपके अर्धसैनिक बल हैं। इसमें क्या आपका असम राइफल्स भी आता है, CISF भी आता है, ये सभी आपके अर्धसैनिक बल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है कि हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का क्या स्थान है? तो आपको यहाँ पर बताना है कि इसमें भारत का स्थान क्या है। तो इसमें भारत का स्थान 112 है, कितना 112, ऑप्शन ए आपका सही होगा। पिछले वर्ष की तुलना में, यानी कि 2018 से अगर कंपैरिजन किया जाए, तो पिछले वर्ष की तुलना में भारत इस वर्ष 4 स्थान खिसक गया, यानी कि 2018 में हम 108 नंबर पर थे, और अब 2019 में हम 112 नंबर पर चले गए, यानी कि स्थिति और ख़राब हो रही है। अब बात हो रही है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, तो मैंने आपको कल ही बताया था कि इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर? स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवा क्वेश्चन। हाल ही में पीटर स्नेल का निधन हो गया, उनका संबंध किस खेल से था? जी हाँ, पीटर स्नेल का भी निधन हो गया, उनका संबंध किस खेल से था? तो इनका संबंध था, ये एक लंबी दूरी के धावक थे, ये एक लंबी दूरी के धावक थे, या जब यूँ आप कह सकते हैं कि एथलीट से था। और इनका संबंध किस देश से था? इनका संबंध न्यूजीलैंड से था। कहाँ से था? न्यूजीलैंड से इनका संबंध था। ये 3 बार के ओलंपिक चैंपियन और क्या है, विश्व मील रिकॉर्ड धारक थे। इनकी उम्र कितनी थी जब इनका देहांत हुआ? 80 वर्ष इनकी उम्र थी। चलिए आगे बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। आज का 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वहाँ प्रत्येक वर्ष हर घर में 260 kg खाना बर्बाद होता है? प्रत्येक वर्ष हर घर में, आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी मात्रा खाने की बर्बाद होती है। तो ये कौन सा देश है? सऊदी अरब है, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही होगा। बात हो रही है सऊदी अरब की, तो आपका कैपिटल आपको पता होनी चाहिए, यहाँ पर याद रख के कन्फ्यूज नहीं होना, यहाँ पर कैपिटल और इसकी करेंसी में। तो ये कैपिटल है यहाँ की रियाध, और करेंसी क्या है यहाँ की? रियाल। अब देखिए इसको आप कैसे याद रख सकते हैं, जैसे कि कैपिटल क्या है? रियाध, यानी कि राजधानी। जैसे कैपिटल का हिंदी का होता है धानी, धा निकलता है, तो यहाँ पर भी इसके वर्ड में आखिरी में धा निकलता है। और पैसे को हम क्या बोलते हैं? धन। तो यहाँ पर भी रियाल, ल आखिरी में ऐसे कुछ मैचिंग से निकलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नालको के, यानी कि नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो नालको के सह प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? श्रीधर पात्रा जी को नियुक्त किया गया, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही होगा। कौन सा? ऑप्शन सी सही होगा। वर्तमान में ये वित्त निदेशक हैं, अब ये बन जाएंगे इस कंपनी के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है नालको का? तो इसका हेडक्वार्टर है आपका भुवनेश्वर।
कहाँ पर है? भुवनेश्वर। याद रखें, कभी कभी इकोनॉमिक्स का ये पोर्शन और इस इकोनॉमिक्स में ये क्वेश्चन जब आपके बनते हैं तो ये पूछ देता है विभिन्न विभिन्न कंपनियों के हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं, इसके एमडी एंड चेयरमैन कौन है, या फिर जो मुख्य मुख्य इसमें पदधारक हैं उनका नाम क्या है। तो इसके चेयरमैन एंड एमडी भी आपको पता होना चाहिए। तो आपका जो ऑप्शन फर्स्ट है, टी के चंद इसके चेयरमैन एंड एमडी हैं। इसकी अच्छा स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 3 जनवरी 1981 को की गई थी, 3 जन 1981। याद रखें, पूछा जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं आज के 12वें क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में पाकिस्तान के किस पूर्व राष्ट्रपति को फांसी की सजा सुनाई गई है? तो आपको बताना है, बहुत ही ज़्यादा ये डिसीजन रहा, काफ़ी लंबे दिनों से चलता रहा ये मुकदमा। आखिरकार पाकिस्तान की हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है। तो ये पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही होगा, इनको फांसी की सज़ा सुनाई गई। अच्छा, क्यों सुनाया गया है? देशद्रोह में इनको ये सज़ा सुनाई गई। देशद्रोह में क्यों? देशद्रोह क्योंकि 2007 में इन्होंने अपनी मर्जी से आपातकाल लगाया था। अच्छा, 2007 में लगाया था, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा। तो इनका कार्यकाल 2001 से 2008 के मध्य रहा। और ये किस क्रम के राष्ट्रपति थे? ये 10वें क्रम के राष्ट्रपति थे। अगर बात की जाए वर्तमान में पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन है, तो वर्तमान में है आरिफ अलवी, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है? इमरान खान। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट आपके 12 क्वेश्चंस। अब कल के जवाब जान लेते हैं। कल मैंने आपसे पूछा था राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया, तो रायपुर में किया गया। कहाँ पर? रायपुर में किया गया। इसका ऑप्शन ए सही होगा। चलिए आज का क्वेश्चन ऑफ द डे ले लेते हैं। हाल ही में विजय दिवस किस दिन मनाया गया? आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने आप सभी जवाब दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आपके मन में कोई सुझाव है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं या बता सकते हैं। आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि हमारा इंस्टाग्राम पेज है, फेसबुक पेज है, हमारी वेबसाइट भी है www.careerupdate.co.in। वहाँ पर भी आपको टाइम टू टाइम आर्टिकल अपडेट होते रहते हैं। इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।